आगे बढ़ेंगे। सरकार के तमाम दावों के बावजूद पंजाब में लगातार धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। फाजिल्का से सामने आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सरकार अवैध खनन रोकने में नाकाम है। वहीं अब सीएम कैप्टन के विधायक ही अपनी सरकार पर अवैध खनन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पंजाब में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये आप जलालाबाद के गांव सुखेरा की तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जलालाबाद के गांव सुखेरा में खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। खनन माफिया अपने काले कारोबार को अंजाम देने के लिए सरेआम पहाड़ों और खड्डों का सीना छलनी कर रहे हैं। गाँव सुखेरा में खनन माफिया सरेआम प्रशासन की नाक के नीचे काला कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन सरकार चैन की नींद सो रही है। खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी बानगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जगह जगह मशीनें लगी हैं। माफिया सरेआम ट्रकों में रेत भरकर एक जिले से दूसरे जिले में लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद सरकार की नींद टूटी और कांग्रेस के विधायक दविंदर सिंह गुभाया ने मौके पर पहुंचकर देखा कि किस हद तक सरेआम खनन माफिया अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। विधायक दविंदर गुभाया ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले खनन माफियाओं पर रोक लगाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। लीगली जेड़ा है सिर्फ 10 फुट वो चक सकदे और इन्होंने 70-70 फुट जेड़ा वो थल्लों मिट्टी चक्की है, इलीगल माइनिंग कीती है। और जदों कैप्टन साहब ने सरकार बनाई सी तो उदो ये कह के बनाई सी कि जेड़ा सी रेता है लोगों नू सस्ता देंगे तो रेत माफिया खत्म करांगे, पर मैं समझा भी रेत माफिया इत्थे तां सरेआम गुंडा करदी, पिछली सरकार नाल काम लंघ गया और लोग जेड़े है बड़े दुखी है, इस करके अज असी आए सी। और जेड़े भी इलीगल माइनिंग कीती है या पैसे लए है लोगों तो उन्हां खिलाफ कार्रवाई परचा करावांगे, और जे होर भी जेड़ा इन्हां दा हरजाना जेड़ा भी रिकवरी इन्हां तो जेड़ा इलीगली इन्हां मिट्टी चक्की है रेता चक्या वो असी लवांगे। खनन माफिया 10 फुट की जगह 70 फुट से ज्यादा खड्डा खोदकर 9 रुपए की जगह 16 रुपए में बेचकर जनता को लूट रहे हैं। वहीं विधायक दविंदर सिंह गुबाया ने खानापूर्ति के नाम पर डिप्टी कमिश्नर को फोन कर मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कई लोगों पर कार्रवाई शुरू की गई। खुलेआम खनन माफिया नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खनन माफियाओं की मनमर्जियों से लगता है कि यहां कानून का नहीं खनन माफियाओं का राज है। कैप्टन सरकार के तमाम मंत्री और विधायक अपनी सरकार के कसीदे पढ़ते नहीं थकते, लेकिन सुखेरा गांव की तस्वीर देखकर साफ होता है कि पंजाब में अब भी खनन माफियाओं का राज चलता है। जनता टीवी के लिए फाजिल्का से सुरेंद्र गोयल की रिपोर्ट। तो फाजिल्का से हमारे साथ में सुरेंद्र गोयल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देवेंद्र सिंह खुद ही कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार नाकाम रही है माफियाओं पर नकेल कसने में। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल देखो जी, एक वर्तमान सरकार के विधायक खुद मान रहे हैं पिछले सरकार से भी ज्यादा काम बढ़ गया, रेट जो 9 रुपए फुट होना चाहिए वो 16.5 रुपए फुट लोगों को रेता मिल रही है, और जो कि नियमों को भी ताक पे रख दिया गया, 10 फुट जो गहराई होनी चाहिए 70 फुट तक गहराई हो गई है। पूजा, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जब बाढ़ का पानी पंजाब में काफी जगह पर आया, जाके हमारे फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में भी कई गांव में आया, जहां इसी वजह से इन खड्डों की वजह से जो गहराई में थे वो कम बताया जा रहा है, 35 फुट गहरा खड्डा था जिसमें एक 17 साल के युवक की पैर फिसलने से मौत हो गई थी और उसकी लाश भी अगल भी मिली थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था और उसको भी नजरअंदाज किया गया। और ये एक खनन ऐसी है, ऐसे पंजाब में कई खनन है। सबसे बड़ी बात तो ये कि विधायक तो मान भी रहा है और उसके अलावा उन्होंने प्रशासन में बोला भी है इसकी कार्रवाई की जाए, और अब जो बीजेपी सरकार ने और सब, आपको एक हैरानी वाली और बता दूं, पुलिस ने जो मामला भी दर्ज किया है 9 व्यक्तियों के, अज्ञात व्यक्तियों पर दर्ज किया है, जबकि
जो भी माइनिंग होती है बकायदा ओल्ड रिकॉर्ड पे उनको पता था कौन ठेकेदार है कौन बाद में काम करते हैं। ये भी सब लीपा पोती के लिए सिर्फ लोगों को चुप कराने के लिए एक मामला दर्ज कर दिया गया है, जबकि बाई नेम क्यों नहीं किया गया। ये सब गर्व की बातें हैं, सोचे वाली, पर सब प्रशासन की कार्रवाई भी प्रश्नचिन्ह लगता है, क्योंकि यदि प्रशासन चाहे तो क्या कुछ हो सकता। इसलिए जनता भी समझ चुकी है इसके पीछे जो सब राजनीति हाथ है, राजनीति के कारण ये इतने बड़े खनन के काम हो रहे हैं, इतना बड़ा माफिया काम कर रहा है और लोगों को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। पूजा जी, सुरेंद्र, यहाँ पर आपने बताया कि किस तरीके से रिपोर्ट दर्ज है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनकी तरफ से क्या कहना है कि अज्ञात लोग, तथा कथित अज्ञात लोग जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, वो कब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे? हालांकि सारा खेल सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी बात प्रश्न चिन्ह लगता है प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर। सिर्फ मामला दर्ज करके एक लोगों को चुप कराने का कार्रवाई जरूर कर गई, कोई तो लोगों की लोगों में क्रोध ना आए, जो लोग बोलना पाए अज्ञात बख्शी का मतलब, जबकि जो जो एसडीओ ने मामला दर्ज कराया उसके पास बकायदा ओन रिकॉर्ड ठेकेदारों का नाम, टेलीफोन का एड्रेस सब कुछ होते हैं, क्यों नहीं भाई दिन कराया गया? इससे सबसे स्पष्ट ये जाना जाता है, इस कार्रवाई स्पष्ट ये आप कह सकते हैं कि इसके पीछे सब। सुरेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ में सुरजीत जी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी हैं आप। सुरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। हाँ नमस्कार जी। सुरजीत जी, फाजिल्का में खनन माफिया बेलगाम होते जा रहे हैं, सरकार कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रही है जी? नहीं, ये खाली फाजिल्का में नहीं है, पूरे पंजाब में जी, पूरे पंजाब में रेत माफिया, नशा स्मैक माफिया, और इतना बुरा हाल है पूरे पंजाब का, और लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये लोग जो है कांग्रेसी लोग जो नाटक करते हैं, ये लोग, और इनको सब पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, ये किसी से बात छुपी नहीं हुई है, ना पुलिस से छुपी होती, ना प्रशासन से, और ना राजनीतिक लोगों से छुपी होती है। इन्होंने क्या नाटक किया है, जो ये कुमाया साहब वहां गए हैं, तो इनसे ये पूछा जाए कि आपको आज ही पता चला है क्या कि 80-90 फुट इतनी गहरी खड्डे जा चुकी है, तो आप इतने दिन आप या प्रशासन या कोई सोया हुआ था? एमएलए के जाने का कारण यही है कि उसे वहां हिस्सा नहीं मिला। जब हिस्सा जिसको मिल जाता है वो चुप कर जाता है, और जिसको हिस्सा नहीं मिलता वो भौंकने लग जाता है। इनको सब पता है, ये माल बटोर रहे हैं, माल खा रहे हैं, और पंजाब का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। सुरजीत जी, कांग्रेस के विधायक हैं दविंदर सिंह गुबाया, वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि खनन माफिया बेलगाम है, उन पर नकेल नहीं कस रही है कैप्टन सरकार। मैं देवेंद्र कुबायर से पूछना चाहता हूं, उसके डैडी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको उसी दिन पता चला है? इनको सब पता है, इनकी नजरों के नीचे ये खुद करवाते हैं, और इन्हें खड्डों में पैसा नहीं मिलता तब ये भौंकते हैं, ये शोर मचाते हैं। वहां अगर इनको पैसा दे दिया जाए तो इनका मुंह बंद हो जाता है जी। सुरजीत जी, आपसे निवेदन है कि सही भाषा का प्रयोग करें, तो वो खड्डे पे चले गए, इनको सब पता है जी। सुरजीत जी, ये कहना जनता टीवी का आपसे है कि बीजेपी की तरफ से क्या इनिशिएटिव किया जाएगा खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए, आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव होगा? देखो बात यह है कि क्योंकि क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है ना कि जो सरकार में होता है उसके खिलाफ आरोप तो मर दिए जाते हैं, लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी है। इनके खुद एमएलए, खुद मिनिस्टर राणा गुरमीत, क्या गुरमीत है वो, उनकी बात सुनो, मंत्री से डाटिए गए, इनके लोग खुद बोलते हैं, इनके लोग वैसे नहीं बोलते, इनको जब हिस्सा नहीं मिलता तब बोलते हैं। अगर ये सही नीक नेक नीति से काम करे तो ये गलत काम हो ही नहीं सकता। सुरजीत जी, सवाल यही है कि बीजेपी की तरफ से क्या किया जाएगा? हम तो करते रहते हैं। इन लोगों ने अकाली और बीजेपी को बदनाम किया था, और आज यही लोग कह रहे हैं, ये अकाली और बीजेपी को इनके विधायक अच्छा बता रहे हैं कि इनसे अच्छा तो हमारी सरकार से अच्छा तो उनका राज था, हमारी सरकार में तो ऐसी कोई बात होती नहीं थी, और आज ये लोग कर रहे हैं, तो हम तो इनके लिए हम बार बार आवाज उठाते हैं। जब ये सभी मिले हुए हैं तो हमारी आवाज करते रहते हैं, हम तो बोलते रहते हैं, मीडिया में बोलते हैं, और ये कुछ चीजें छुपी नहीं होती, सभी इनकी नजरों के नीचे हो रहा है। चलिए, भाजपा कांग्रेस पर टाल रही है, कांग्रेस भाजपा को कह रही है, ये राजनीति है, राजनीति का रुख भी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरजीत जी, और अहम जानकारी साझा करने के लिए। सुरजीत जाड़ी हमारे साथ में जुड़े, पूर्व विधायक हैं आप, नेता बीजेपी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है और पूरे प्रदेश में भूमाफिया बेलगाम होते जा रहे हैं। सुरेंद्र गोयल हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन, और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।